एक पिताए पोताना 17-18 वर्षना दीकराने बोलावी अने एक जूनू कपड़ू घर में पड़ू हशे, पुराना सा कपड़ा वो उसे दिया और कहा कि जरा बाजार में जाकर के पूछ के तो आओ, ये कपड़ा कितने में बिकेगा, बेचना मत, केवल पूछ के आओ अच्छे से अच्छा दाम कितना लेके आते हो तुम। पुराना सा मैला कपड़ा युवक गया, 5-6-7 स्थान पर पूछा, 100 रुपए से अधिक कोई कुछ नहीं दे रहा था। वापस आया, पिताजी से कहा कि अधिक से अधिक 100 रुपए मिलते हैं, इससे अधिक नहीं मिलता। पिताजी ने कहा ठीक, अब तुम कुछ ऐसा आइडिया लगाओ कि इसका कम से कम 200 रुपए मिले। तुम तो पूछ के आए कि 100 रुपए में बिकता है ये कपड़ा, मैं परीक्षा करना चाहता हूं तुम्हारी बुद्धि कितनी है, वो मैं देखना चाहता हूं। ऐसा कुछ करो कि यही कपड़ा 200 में बिके। युवक सोचने लगा, उसने देखा कि ये कपड़ा मैला है, इसको यदि स्वच्छ कर दें तो संभावना है कि अधिक कीमत आ सकती है। उसने कपड़ा धो डाला, सफेद सा स्वच्छ कर दिया और बाजार में गया, मिल गए कुछ लोग कि हम इसका 200 रुपए देंगे। प्रसन्न होकर ये लड़का लौटा है अपने पिता के पास, पिताजी आपने कहा था ना देखो 100 रुपए के कपड़े का 200 रुपया लेने को तैयार हैं लोग, बेच कर आऊं? पिताजी ने कहा नहीं, नेक्स्ट चैलेंज मैं तुझे देता हूं, कुछ ऐसा करो कि ये कपड़ा 1000 रुपए में बिके। युवक सोचने लगा अब क्या करूं, मैला था धो लिया, 100 के 200 कर दिए, 1000 कैसे हो सकते। 2 दिन 5 दिन सोचता रहा, उसे एक विचार आया, एक अच्छा चित्रकार था उसका मित्र कोई, उसके पास गया, कहा मैं तुझे 100-150 रुपया दे दूंगा लेकिन तू इसके ऊपर मुझे कोई अच्छी सेलिब्रिटी का चित्र बना के दे। उसने कोई फिल्म पर्सनालिटी, क्योंकि लोगों को आकर्षण उन्हीं में अधिक होता है, तो कोई फिल्म का हीरो कोई रहा होगा, उसका चित्र उस कपड़े के ऊपर बनाया और ये लड़का फिर वो कपड़ा लेकर गया जिसके ऊपर फिल्म के हीरो का चित्र बना हुआ है, बाजार में बेचने के लिए गया तो लोगों ने कहा कि हम तो इसके, किसी ने कहा 1200 देंगे, किसी ने कहा 1500 देंगे, 2000 तक खरीदने के लिए तैयार हो गए लोग। प्रसन्न हो गया लड़का, पिताजी के पास आकर कहा पिताजी आपने तो कहा था 1000 रुपए, मैं तो 2000 लेके आता हूं, उसमें से समझो 150-200 रुपए चित्रकार को दे भी दिए तो भी आपने 1000 की अपेक्षा रखी थी, मैं 1800 रुपए तक इसको ऊपर अपग्रेड करके लाया, बेच के आऊं 1800 ले आऊं अभी इसका, इस कपड़े का। पिताजी ने कहा नहीं, मुझे तो इसके 10000 चाहिए। ने कहा ये कैसे होगा, 2000 तक लोग देने को तैयार हैं, 10000? पिताजी ने कहा सोचो, संभव है इतना मैं तुम्हें कहता हूं, असंभव होता तो मैं तुम्हें कहता ही नहीं, दिस इज पॉसिबल। 15 दिन तक ये लड़का सोचता रहा कि भला आदमी ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये चित्र मैला कपड़ा था उसको धोया, 100 के 200 किए, चित्र बनाया तो 2000 तक ले आया, और पिताजी का तो लोभ बढ़ते ही जा रहा है, वो तो अब कहते हैं 10000 लाओ इसका, क्या करूं। एक हफ्ते बाद उसके मन में विचार आया, जिस सेलिब्रिटी का फोटो बना था उसके ऊपर, वो घूमते घामते उस सेलिब्रिटी के पास पहुंच गया, कहा कि मैंने आपका चित्र बनाया है, आप इसके ऊपर आपकी ऑटोग्राफ करके दोगे? सेलिब्रिटी भी खुश हो गया, उसने अपने हस्ताक्षर उस चित्र पर कर दिए
और लड़का जाकर बाजार में अब ऑक्शन करता है, देखो ये कपड़े के ऊपर सेलिब्रिटी का चित्र बना हुआ है, हैंड पेंटेड, प्रिंटेड नहीं है, बनाया हुआ चित्र है और उसके ऊपर उसकी ओरिजिनल सिग्नेचर है, कितने में कोई लेना चाहेगा? ऑक्शन उसने किया, हराजी की, 18,000 रुपए तक देने के लिए लोग तैयार हो गए। प्रसन्न होकर के पिताजी के पास आया, पिताजी आप तो 10,000 कहते थे, अभी 18,000 इसके मिल रहे हैं, बेचकर आ जाऊं? पिताजी ने कहा तेरी मर्जी, लेकिन मुझे ये कपड़ा बेचने में या 18,000 कमाने में इंटरेस्ट नहीं था, तू फिर मेरा पुत्र है, 18 वर्ष की आयु है तेरी, तू जीवन की शुरुआत कर रहा है, मैं तुझे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता था, इसमें से तू कुछ बोध पाठ ले सकता है। मनुष्य का जीवन जैसा है वैसा, चदरिया झीनी रे झीनी, संसार में आकर के मैली करके रखी है ये जीवन रूपी वस्त्र को, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वैल्यू जो है हम जानते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, केवल आईने के सामने खड़े रह जाओ, क्या कीमत है पता चल जाएगा, दर्पण बता देगा आपको कितनी कीमत है। प्रिय स्वजनों, इसी जीवन को जब शुद्ध किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, तब जीवन का मूल्य दुगुना हो जाता है। तुम्हारी आजूबाजू कोई पण सारो माणस हो ने प्रिय स्वजनों, अने तमने खबर पड़े का सारो व्यक्ति छे, आ कोई दी जूठू ना बोले, आ कोई दी कोई खोटा काम ना करे, इन्हें ओळखता वार लागे तमने, पर जे क्षण तमने श्रद्धा थे बने के आ सारो माणस छे भी तमने खबर पड़े, तमारा मन में ए व्यक्ति नु मूल्य वधी गयु के नहीं? धर्मेश भाई बराबर बात, दुनिया उसको जो भी कहती होगी, तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के प्रति आदर बढ़ेगा, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जेनु जीवन शुद्ध थयु एनु मूल्य वधे छे, फिर क्या करना? जीवन शुद्ध तो थयू, हवे जेम पेलो छोकरो युवक कोई कलाकार पासे जईने एना ऊपर चित्र बनावडाव्यो, प्रिय स्वजनों जब जीवन शुद्ध होता है तब किसी महापुरुष के पास, किसी गुरु के पास जाकर जीवन रूपी वस्त्र पर जब परमात्मा की प्रतिमा बनने लगती है, भगवान जब उभर कर आते हैं, तो मूल्य और कई गुना बढ़ जाता है।